Hey guys, there have been you watching Ravi on demand. So, आज का जो वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने चैनल पे जल्दी से जल्दी व्यू ला सकते हो, मतलब व्यू ला सकते हो। हाँ यार, तो आज का जो वीडियो है वो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस पे बेस होने वाला है। मतलब मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने चैनल को ग्रोथ ला सकते हो, जल्दी से जल्दी फास्ट ग्रो कर सकते हो। इट्स मीन तो यहाँ पे ग्रो करने का एक ही तरीका कि आपके चैनल पे अच्छे खासे व्यू आएंगे, वो भी जेन्युइन तरीके से। अब इसके लिए मैं एक ही ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि 100% वर्क करेगा आपके चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि कौन से भी यूट्यूबर हो, वो कभी ना कभी किसी ना किसी बड़े यूट्यूबर का नाम लेके अपने चैनल पे व्यू लाने की कोशिश करता है। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी जहाँ पे लोग रिएक्शन देते हैं किसी के वीडियो पे, समझो कोई बड़ा यूट्यूबर होगा तो उसके वीडियो पे रिएक्शन दे दे के अपने वीडियो पे व्यू लाने की कोशिश करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं यही ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे व्यू कैसे ला सकते हैं। तो हे गाइस, देयर हैव बीन यू वाचिंग रवि ऑन डिमांड। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि अगर आपका चैनल नया है, समझो मैंने चैनल को अभी स्टार्ट किया है, तो अगर आपने चैनल को नया नया स्टार्ट किया है तो यहाँ पे आपको कोई नहीं जानता, तो इट्स मीन यहाँ पे आपको सब्सक्राइबर जीरो है। समझ लो अगर कोई सब्सक्राइब भी करना चाहे तो आखिर वो कौन करेंगे? आपके फैमिली मेंबर, आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव और एक्सेट्रा जो आपको पहचानते। लेकिन जो बाकी लोग हैं, जो दुनिया में जो भी इंडिया में जो भी है या फिर पूरे वर्ल्ड में कह लो, जो भी आपको पहचानते वही लोग सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन बाकी का क्या? बाकी आपको नहीं करेंगे क्योंकि वो आपको पहचानते नहीं। अगर आपकी वीडियो उनको सजेस्ट में भी आती है और उसके नीचे एक और वीडियो आती है जिनको लोग पहचानते, समझो आपसे बड़ा, मतलब आपसे कुछ अच्छा खासा यूट्यूबर होगा जिसे लोग जानते हैं ज़्यादा करके, तो यहाँ पे आपकी वीडियो सजेस्ट में है और उसकी वीडियो सजेस्ट में है तो लोग उसकी वीडियो देखेंगे। क्योंकि देखो, आप अननोन पर्सन हो और ज़्यादा चांस नहीं होता है कि आपको लोग देखें। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो जो नीचे वाला वीडियो है उसे हम जानते हैं और हमें ये भी पता है कि वो वीडियो एकदम जेन्युइन बनाता है, परफेक्ट तरीके से बनाता है। इसलिए आप देखो, लोग आपको कैसे जानेंगे ये सबसे बड़ा मैटर करता है। देखो, लोग आपको जानेंगे तो आपकी वीडियो जरूर देखेंगे। तो कैसे जानेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ ये ट्रिक क्या है। ये ट्रिक सिंपल सा ट्रिक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, किसी भी बड़े यूट्यूबर को फेम करना है या फिर डिफेम करना है। यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है मैंने जो कहा वही करो, मतलब कहीं कहीं देखो कोई कोई यूट्यूबर किसी बड़े बड़े यूट्यूबर का गलती भी बताता है, जो कि अच्छी बात है कि हमें भी मालूम पड़ना चाहिए कि हाँ इसने जो भी बताया क्या वो सही है या गलत है। कभी कभी हो जाती है गलती, तो उसको भी क्लियर करना ज़रूरी है। तो क्या आप ये कर सकते हो? देखो सो फ्रेंड्स, ये वाला जो ट्रिक है उसको अप्लाई कैसे करना है अपने चैनल पर। देखो, अपने चैनल पर जब भी आप वीडियो बनाओगे किसी भी एक यूट्यूबर के ऊपर, तो ध्यान रखना कि आप उसके बारे में ज़्यादा गलत भी ना बोले और ज़्यादा अच्छा भी ना बोले। हाँ, अगर वो कुछ गलती करता है तो उसको आप क्लियर कर दो कि हाँ भाई इस तरह नहीं, कुछ इस तरह होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि लोग अगर आपको नहीं भी जानते रहेंगे तो लोग जिस बड़े यूट्यूबर को जानते रहेंगे उसके लिए आपके पास आएंगे। समझो उसने कोई गलती की है तो ठीक है, आपके पास आएंगे, वो देखेंगे ये वीडियो कि हाँ भाई इसने उसकी गलती को क्लियर किया है, तो कहीं ना कहीं वो आपको भी जानने लगेंगे और आपके भी वीडियो में भी आएंगे। अब देखो, ऐसा नहीं है कि ये वाली जो ट्रिक है वो मैं ही बता रहा हूँ या फिर आप ही करने वाले हो, ये बहुत सालों से लोग कर रहे हैं। जहाँ पे आपने देखा होगा वीडियो में रिएक्शन देते हैं, वीडियो में डिफेम करते हैं उनको, उनके ऊपर रोस्टिंग करते हैं, तो लोग उनको देखने के लिए आपको भी देखते हैं। समझो किसी ने किसी को रोस्ट किया, समझो किसी सेलिब्रिटी को किसी ने रोस्ट किया यूट्यूबर ने, तो समझो कोई बड़ा सेलिब्रिटी उसको रोस्ट कर रहा है तो आप देख रहे हो कि हाँ भाई इसने इसको रोस्ट किया। आपने उससे उसके चैनल पे उसको देखने के लिए गए थे और आप उसे भी देख रहे हो और आपने उन्हों उसको भी पहचाना, तो आप आगे से उनकी वीडियो भी देखना स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह वो ट्रिक काम करता है। तो आप क्या हो रहा है, देखो बहुत सारी वीडियो है जहाँ पर लोग एक दूसरे को फेम देते हैं, डिफेम करते हैं और बहुत सारी ट्रिक अप्लाई करते हैं जिसकी मदद से आपको भी व्यू आता है और जो व्यू है वो आपको मिलता है लेकिन नाम किसी और का होता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा यूट्यूब में कि यहाँ पे बताया जाता है कि इस यूट्यूबर ने मुझे रोस्ट किया या फिर इस यूट्यूबर ने मेरे बारे में बोला, इससे मेरा कॉन्ट्रोवर्सी हो गया। बहुत सारे वीडियो आते हैं जहाँ पर लोग एक दूसरे का नाम लेके वीडियो में व्यू खाते हैं, वीडियो में व्यू लाते हैं। और ट्रिक अप्लाई भी कर सकते हो क्योंकि ये ट्रिक जेन्युइन है, बहुत लोग यूज़ करते हैं। हाँ, लोग डिफेम करते हो, आप फेम देना, उनकी गलतियाँ क्लियर करना और लोग आपको प्यार से प्यारी नज़रों से देखेंगे और कुछ नहीं, और ज़्यादा पसंद आ जाएगा तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो इसी बहाने आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा दो, क्योंकि YouTube के ट्यूटोरियल ऐसे आते रहेंगे और अनबॉक्सिंग की वीडियो भी आती रहेगी। तो अनबॉक्सिंग की वीडियो बहुत दिनों की नहीं आई है लेकिन आएगी थोड़े दिन के बाद, तो चलते हैं वीडियो करते हैं एंड।